सा चांद है तू भी जला सा मैं अंधेरा एक टच जो किया उसकी सजा मिल रही है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज तुम और सजा मत दो। बस एक बार मुझसे जीवन रेखा हॉस्पिटल में आके मिल। राहुल वेदांत के हॉस्पिटल में एडमिटेड है। क्या हुआ? क्या मतलब है इस बात का? वेदांत को पता है राहुल के बारे में? जब वेदांत को सब पता है तो फिर उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाया कि राहुल यहीं उनके हॉस्पिटल में एडमिटेड है? वेदांत आओ इधर बेटा। लो बेटा वरमाला पहनाओ। पूर्वा
पूर्वा कहाँ चली गई? कहाँ है पूर्वा? महाशिवरात्रि के शुभ दिन को मजाक बनाकर रख दिया सबने। पहले पूर्वा कहती है कि मैं व्रत नहीं रखूंगी, फिर खीर का तमाशा, और कहाँ गई है वो बिना किसी को बताए दादी, और वो भी पूजा के बीच। पूरे प्रयागराज में त्रिपाठी परिवार की क्या इज्जत है? इस लड़की को जरा सा भी एहसास है इस बात का? नानी मौसी, तीने व्रत रखा था, निर्जल व्रत रखा था उन्होंने आपके लिए और वेदांत के लिए। अगर हमारे लिए उसने व्रत रखा है तो इस तरह अचानक कहाँ गायब हो गई? अम्मा, ऐसे नाराज होने से क्या फायदा? तू चुप कर। वेदांत, तुझे मेरी कसम, बता पूर्वा कहाँ गई? दादी, दादी पूर्वा शायद राहुल से मिलने गई। राहुल? कौन राहुल? वो जिससे दी की शादी होने वाली थी। वो क्यों वापिस आया है? पता नहीं नानी मौसी, पर उन्होंने दी को मैसेज किया था। ये पूर्वा का फोन है? हाँ। जीवन रेखा हॉस्पिटल। वेदांत, तू इसके बारे में जानता था? जब राहुल की बात हो रही थी तो मैंने पूर्वा और पंकुरी की बात सुन ली। तो इनकी बातें सुनकर तूने राहुल को सीधे जीवन रेखा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया? मैंने दादी, आप, मैं कुछ समझा नहीं। ये देख, दादी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। पर दी को तो यही लग रहा था कि आपको पता है और आपने उनसे ये बात छुपाई। मतलब पूर्वा हॉस्पिटल गई हो? दादी, आप पूजा खत्म करके व्रत खोली, मैं पूर्वा को लेकर आता हूं। नहीं वेदांत, पहले इस परिवार की बहू वरमाला पहनाने की विधि पूरी करेगी, उसके बाद मैं अपना उपवास खोलूंगी। अम्मा, अगर वो लौट कर नहीं आएगी तो जिंदगी भर खाना नहीं खाएंगे क्या आप? कह दिया ना तो कह दिया बस। अम्मा, आपके खाना ना खाने से क्या हो जाएगा? उल्टा आपकी सेहत खराब होगी। जिसने जो करना था कर दिया, भाग गई है वो। अरे तो हमारे वेदांत की गनीमत है कि उस मौके पर उसने उसके घर वालों की उसकी इज्जत बचाई, शादी की उसने। और उसको देख लो, हमारा एहसान मंद होने के बजाय एहसान का बदला कैसे चुकाया? भाग कर। और भागे भी किसके लिए? उस राहुल के लिए जो पूरे समाज में ऐन मौके पर उसकी इज्जत उछाल के चला गया। अब किसी के दिल का क्या पता? कह तो रही थी
पहला प्यार भुलाना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रही है गोमती, मुझे नहीं लगता वो वापस लौट के आएगी। पूरा प्रयागराज जानता है कि पूर्वा वैद्य गंगाधर त्रिपाठी के परिवार की बहू है। और बेटा, जो इज्जत उन्होंने इतने सालों से कमाई है ना, झटके में खोने नहीं दूंगी। वेदांत, आज एक बार फिर इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में। एक्सक्यूज मी, राहुल नाम का पेशेंट कौन से रूम में है? मैम 101 में, इस तरफ। थैंक यू। पूर्वा रुक जाओ, तुम्हारा ये एक कदम सब कुछ बदल के रख दे। ये लक्ष्मण रेखा है और वो एक कदम जो सब कुछ बदल दे उसे मत लो। आधी रात को कोई चुड़ैल चिपक गई थी क्या तुम्हारे? अपने इकलौते पति को गंजा करने पर तुलियो। पूर्वा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, पर पहले तुम मेरे साथ घर चलो प्लीज। पहले आप इसी सवाल का जवाब दीजिए कि मैं क्यों जाऊं घर सबकी कड़वी बात सुनने, कि महाशिवरात्रि के दिन फिर भाग गई महारानी। बाहर दिखाती नहीं हूं वेदांत, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। कौन है वहां मेरा? दादी कोई नहीं है तुम्हारी, और मैं दोस्त कहा था ना तुमने मुझे अपने। अगर आपने दोस्ती निभाई होती तो मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाती। आपको नहीं पता था कि राहुल यही आपके हॉस्पिटल में एडमिटेड है, फिर भी आप चुप रहे। मुझे नहीं मालूम था पूर्वा, मेरा विश्वास करो, ये बात कि तुम्हारे पास राहुल का मैसेज आया है ये भी मुझे तुम्हारी और पंखुरी की बातों से पता चला। झूठ। सच तो ये है कि आपको डर था कि अगर मुझे राहुल के बारे में पता चल जाता तो शायद मैं घर छोड़ के चली जाती। मैंने वादा किया था आपसे वेदांत कि जब तक आप खुद मुझे जाने के लिए नहीं कहते मैं
से इसी घर में रह के आपका साथ दूंगी, पर शायद आपको मुझ पर यकीन ही नहीं था। रत्ती भर का भरोसा नहीं है और खुद को दोस्त कहते हैं आप। बस पूर्वा, ये जो दुनिया तुमने अपने मन में बना के रखी है ना, अगर उसे बाहर निकल के देखोगी तो शायद तुम्हें सच दिख जाए। अगर मुझे राहुल का डर होता तो क्या मैं तुम्हें जयपुर लेके जाता अपनी जान पे खेल के उन किडनैपर्स से? पूर्वा, मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत भी है और भरोसा भी है, और इसीलिए तुम संजीवनी सदन में मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। और राहुल का यहाँ पे होना एक महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। पर वेदांत, प्रयागराज में और भी हॉस्पिटल्स हैं, तो यहीं पर क्यों? अम्मा, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल कीजिए। सुबह से आपने पानी तक नहीं पिया, थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। नहीं मंजुला, मैं नहीं खाऊंगी। खा भी लो अम्मा, जो लोग चले जाते हैं लौट के थोड़ी आते हैं, और उनके लिए आजीवन अनशन पे बैठोगी क्या? रमेश, इस वक्त कोई बहस नहीं। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो भी आप लोग खाओ, आप सब। आप सब खा लीजिए, मैं और सुमति बाद में अम्मा के साथ खाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रश्मि। डॉक्टर रश्मि ने बताया कि राहुल के पेरेंट्स ने उसे यहाँ पे एडमिट करवाया है, पर जयपुर से प्रयागराज क्यों? कहीं राहुल शुरुआत से ही? पर राहुल का मैसेज तो किसी इंटरनेशनल नंबर से आया था, तो शुरू से यहाँ कैसे हो सकता है? मैसेज? तुम्हारी राहुल से फोन पे बात नहीं हुई, उसका सिर्फ मैसेज आया है और तुमने यकीन कर लिया बिना बात किए? ये क्या बेवकूफी है पूर्वा? आप मुझे बेवकूफ कह रहे हैं वेदांत? मैं दिन भर राहुल के फोन के इंतजार में नहीं रहती हूँ। दोस्त मानता है ना आप मुझे, पर अब तक अपने दोस्त को ठीक से पहचान भी नहीं पाया। सच तो ये है कि मैं खुद अनश्योर थी राहुल से मिलने के लिए। आपके परिवार का नाम जुड़ा है मुझसे, पर इस नाम की इज्जत करना जानती हूँ मैं। किसी और से हो ना हो, दादी से, आपसे एक रिश्ता है मेरा, और इसलिए मैं डांस के लिए आई, मंदिर आई आपके साथ। तो फिर मुझे लगा कि राहुल यहीं हॉस्पिटल में है और आपने जानबूझकर ये बात छुपाई मुझसे। बस यही देखने यहाँ पे आ गई थी, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। वो वक्त बीत चुका है वेदांत, और सवाल अब भी है मन में कि राहुल उस दिन आपको इस तरह अंधेरे में रख के अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं कभी नहीं जाऊंगी। काश तुमने ये सच मुझे पहले बता दिया होता तो इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। सच तो आपने भी छुपाया है मुझसे वेदांत। कौन सा? आपके बाबूजी के बदले हुए बिहेवियर का असली सच। पति पत्नी को एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। दोस्तों को डॉक्टर वेदांत, ऐसा लग रहा है कि हम राहुल को बचा नहीं पाएंगे।